डिवाइडर ही चढ़ा डाली। साहब क्या तगड़ा एक्सीडेंट हो रहा। ऑफ रोडिंग आगे भाई सब करनी पड़ेगी ऑफ रोडिंग। तो ऐसे नहीं उतरेगी, धक्का मारना। चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ अभी तो ढाई घंटा दिखा रहा है, अभी तो ढाई घंटा दिखा रहा है। चलो ठीक है, बाय बाय। लो जी लो, तो निकल गए हम फाइनली घर से वापस अपनी डेस्टिनेशन के लिए, दिल्ली जाने के लिए। गाइस वाहेगुरु जी से प्रे करते हैं अच्छे से जाएं। हाँ ये राइड हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाय बाय बोलते हैं अपने जिंद शहर को। यहाँ से पकड़े गए हम आगे जाकर सीधा हाईवे और बल्लू अपने जिंद से फरार। भाई साहब जो मौसम ने आतंक मचाया हुआ है, खतरनाक तगड़ा ही आतंक मचा दिया था इस रात को मौसम ने। तो ये शुक्र है कि मौसम सुबह तक खुल गया। अब हम राइड कर रहे हैं बहुत ठंडी ठंडी हवा में, मज़ा आ रहा है राइड करके, बहुत प्यारी हवा चल रही है गाइस। यहाँ से बोलते हैं हम अपने जींद को टाटा बाय बाय और निकल गए हम सीधा हाईवे के लिए। अब ये सीधा डायरेक्ट हाईवे गाइस जाएगा रोहतक। बस अब अपनी फुल ऑन एंजॉय करते हैं राइड। भाई साहब क्या तगड़ा एक्सीडेंट हो रखा है गाइस, पूरा ही ट्रक पलट गया। शिट भाई साहब क्या ही देख लिया सुबह सुबह गाइस। और एक चीज़ हो रहा है गाइस, बहुत गंदी तेज हवा चल रही है, सीधा मुंह पे ना थप्पड़ लग रहा है, थप्पड़ हवा होंगे। मेरा कभी हेलमेट इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, तो ऐसे से झोल रहा है मेरा हेलमेट भी बताओ। बट आप देख सकते हो कितना ही प्यारा मौसम, क्या ही बादल हो रखे हैं गाइस। राइड करने का एक नंबर का मज़ा आ रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जब धूप हो जाती है ना तो राइड करने का मज़ा ही नहीं आता गाइस बिल्कुल भी। अब मौसम देखो कितना प्यारा, कितनी तेज़ हवा चल रही है और राइड करने का जो मज़ा आ रहा है तगड़ा ही मज़ा आ रहा है गाइस। कुछ खो जी अपने लाडो ने कहा है उसको प्यास लगी है तो उसको पिलाते हैं पानी। फुल कर दो। चैनल का नेम। चलो जी निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब क्या पोल्यूशन हो रखा है गाइस, देख रहे हो, मतलब इतना गंदा पोल्यूशन है ना यहाँ पे। अब पता नहीं बारिश के सीन में ये पोल्यूशन कहाँ से आ गया, बहुत ही आंखों में चुभ रहा है, बहुत गंदा पोल्यूशन है गाइस यहाँ पे तो, हरियाणा के अंदर स्पेशली। लो जी तो यहाँ से दिखा रहा है दिल्ली के 41 किलोमीटर गाइस, तो मात्र हमें यहाँ पे भी दिखा रहा है 43 मिनट्स ओनली। फाइनली हम थोड़ी देर में अपने घर पे होंगे अराउंड 1 आवर तक, बस 1 घंटे का रास्ता और रह गया गाइस। अरे गूगल दादा हमें कहाँ पे ले आया, आगे तो रास्ता बंद है। ओफो शिट यार, अब कैसे निकला जाए। आई थिंक यहाँ से निकलना पड़ेगा कैसे भी करके। ओह शुक्र है थोड़ी बहुत तो जगह है यहाँ पे एटलीस्ट। ऑफ रोडिंग आगे भाई सब करनी पड़ेगी ऑफ रोडिंग। तो गूगल दादा आप ऐसी जगह पे क्यों ले जाते हो हमें, आगे बिल्कुल ही बंद है बताओ।
चलो निकल गए, बच गए, अच्छा हुआ, शुक्र है। साइड में थोड़ा सा रास्ता था, वहाँ से कुदा दी हमने अपनी बाइक। मेरे दादा मुझे कहाँ ले जा रहे हो आप? आपको लग रहा है ऑफ रोडिंग करवाना चाहता है मेरे से आज ये दोबारा? अरे भाई साहब, गूगल ने फंसा दिया आज तो भाई। अरे ये ना हो कि आगे जाके रास्ता बंद मिले बस। लो जी लो, तो फाइनली अपना दिल्ली के अंदर एंटर हो गया गाइस। एक जहाज वो जा रहा गाइस, और एक हमारा जहाज, हमारी लाडो। बहुत अच्छा रिस्पांस दिया गाइस मेरे को इसने इस ट्रिप के ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बाइक से। पैसा वसूल बाइक है, कुछ कहो गाइस, कंफर्ट एक नंबर। जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी एक नंबर। कोई भी मेरे को ऐसे लगता नहीं कि कोई डिसएडवांटेज हो इस बाइक का अभी तक मेरे आगे। दिल्ली एंटर होते ही जाम में फंस गए भाई साहब। क्या तगड़ा एक्सीडेंट हो रखा है, सीधा भाई ने दे दीवार पे मारी। अरे भाई साहब, डिवाइडर ही चढ़ा डाली भाई। आज में मैंने दो एक्सीडेंट देख लिए सुबह। चलो जी, हम तो पहुंच गए वाहेगुरु जी की कृपा से, सेफली घर पहुंच गए गाइस। बस यहाँ से थोड़ी सी 10 मिनट का और वे है और पहुँच जाएंगे यहाँ से जल्दी अपने घर पे। होम स्वीट होम, पहुँच गए फाइनली अपने घर। लगाते हैं सीधा बाइक को अंदर। चलो जी,